दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है आपका जिसका नाम है मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट। यह एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो हमेशा के भांति सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों समय जया के बिना अपने इंट्रोडक्शन को देखते हैं। लिखा है कि थॉमस स्टेन्स इलियट, T.S. इलियट का पूरा नाम हुआ थॉमस स्टेन्स इलियट। इनका जन्म दोस्तों 1888 और मृत्यु 1965 में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसूरी USA, बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वह अमेरिका के सेंट लुइस मिसूरी नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन अंततः वह इंग्लैंड में बस गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, वह साहित्य में एक प्रतिष्ठित और अन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म से एंग्लो कैथोलिक थे। एन रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में शाही उनका अंदाज था। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और 20वीं, यहाँ से देखिए दोस्तों ही के बाद अंत में चले जाएंगे, ऑफ के बाद, वह 20वीं शताब्दी के एक महान कवि के रूप में उभरे, या उनका 20वीं शताब्दी के एक महान कवि के रूप में उदय हुआ ये भी बोल सकते हैं। ही वॉज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट, वह एक प्रतिष्ठित आलोचक और नाटककार भी थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। दोस्तों उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था उनकी साहित्य के लिए 1948 में। हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर, उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो है आपका द वास्ट लैंड, एज वेडनेसडे, एंड फोर क्वार्टेट्स। तो दोस्तों इन पोएम को आप अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसमें आपका द वास्ट लैंड 2-3 बार आपके इंटर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। एज अ पोएट एंड ए स्पोक्स मैन फॉर हिज एज, ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। दोस्तों एक कवि और वक्ता के रूप में, स्पोक्समैन मीन्स होता है प्रवक्ता के रूप में, वह अपने एज में 20वीं शताब्दी का जो आपका बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक जो मिजाज था, जो मूड था, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, उसको वह प्रस्तुत करते थे अपने रचनाओं के माध्यम से। द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता मेकाबीटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है कि इनकी कविताओं का एक संग्रह है जिसको ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट है, उसी से लिया गया है आपका प्रस्तुत कविता जो है कि मैकाबीटी द मिस्ट्री कैट। तो याद रखिएगा ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट इनके कविताओं का संग्रह है। और एक और है आपका लीव्स ऑफ ग्रास, ये किन के कविताओं का संग्रह है दोस्तों आप कमेंट जरूर ही कीजिएगा क्योंकि आप इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं। विच वॉज मेड इन टू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रू लॉयड वेबर, जिसको यहाँ पे एजेंट के बाद आएंगे, बाई के बाद चलेगा, एक महान संगीतकार सर एंड्रू लॉयड वेबर के द्वारा स्टेज पर एक सफल म्यूजिक के रूप में लाया गया था। तो कैसे हिंदी निकल रहा है ये भी आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि हम सेंटेंस सीधा पढ़ेंगे और हिंदी उसी तरह निकल जाएगा। जिसको मतलब ओल्ड पर्सन्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स को एक महान संगीतकार सर एंड्रू लॉयड वेबर के द्वारा, बाइनिस के द्वारा, मंच पर एक वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक, एक सफल संगीत के रूप में बनाया गया था या लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इट इज डिलाइट
सॉरी इट इज अ लाइट पोएम इन द मॉक हीरोइक बेन। यह एक छोटी सी कविता है जिसको मॉक हीरोइक बेन में लिखा गया है। अब दोस्तों मॉक हीरोइक बेन क्या होता है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक ऐसी कविता जिसमें किसी सामान्य या मामूली विषय का वर्णन करने के लिए अत्यंत भव्य और औपचारिक शैली को अपनाया जाता है जिसके लिए यह शैली उपयुक्त नहीं है, तो इसे हम कहते हैं मॉक हीरोइक वेन। जैसे आपकी प्रस्तुत कविता में एक बिल्ली को बढ़ा चढ़ा के एक भव्य शैली से वहाँ पे अपराधी के साथ तुलना करते हुए दिखाया गया है। बिल्ली में बताया गया है कि वह हवाओं में तैर सकती है, उड़ सकती है, वह कभी किसी संस्था से नहीं पकड़ा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका पात्र है मैका बीटी जो एक बिल्ली है, तो जितने भी उसके क्वालिटी बताए गए हैं उसके साथ वो मैच नहीं खाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मॉक हीरोइक वेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल्ड एनालिसिस। दोस्तों इट डज नॉट नीड, इसको जरूरत नहीं है एनी सोलेमन और डिटेल्ड एनालिसिस, किसी भी गंभीर, सोलेमन मिस होता है सोलेमन मिस गंभीर और डिटेल विस्तृत एनालिसिस मिस होता है विश्लेषण। तो यह जो आपका कविता होता है इसमें किसी भी गंभीर और विस्तृत विश्लेषण की जरूरत नहीं होती है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट। दोस्तों इसका जो चार्म है, इसका जो आकर्षण है इसके साफ सुथरे नीट राइम्स मिस होता है, साफ सुथरे जो तुकबंदी है, जो शब्दों के अंत में साउंड्स का तुकबंदी होता है, एंड गलोपिंग रिदम, रिदम मिस होता है लय, जो बिल्कुल सपाट जो लय होता है, एज वेल एज उसी के साथ साथ राक्षस के कॉमिक इफेक्ट, एक हास्य प्रभाव से आता है। तो याद रखिएगा ऐसे कविताओं की जो चार्म से आकर्षण है वह साफ सुथरे तुकबंदी और राक्षस के माने किसी पात्र या राक्षस के हास्य प्रभाव के साथ साथ आता है। क्रिमिनल हु इज इन फैक्ट अ कैट, जो वास्तव में एक बिल्ली है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों अब हम समय जाया के बिना अपने इस पोएट्री के पहले स्टेंजा को लेते हैं। यह आपका पहला स्टेंजा है, तो जो भी स्टेंजा आपका होगा उसके लाइन को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में 4 मार्क्स का दोस्तों एक्सप्लेनेशन आता है। यदि आपको लाइन याद है तो आप उसको अच्छा से डील कर पाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा। तो जैसे ही हम लोग दोस्तों एक्सप्लेनेशन का वीडियो शुरू करेंगे उसमें हम सीखेंगे। फिलहाल हम लोग पोएम के थीम को, पोएम को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग अच्छा से वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने हम इस वीडियो को, और जो आपका पोएम है उसका नाम है मेका बीटी द मिस्ट्री कैट लिखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इसको आप जो थीम है वो समझ लीजिए। इसमें लेखक जो है एक अपराधी को प्रतिबिंबित करके इस कविता को लिखे हैं, जिसमें अपराधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं जो समाज में कैसे अच्छे लोगों के भेष में बहुत अपराधी भी पनाह लिए हैं। तो उसके लिए एक बिल्ली का वो सहारा लेते हैं, बिल्ली को संबोधित करते हुए वह टारगेट करते हैं समाज के जो रिस्पेक्टेबल क्रिमिनल्स हैं उनको। तो देखिए लिखा है कि मेका बीटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पा फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड फॉर द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मेका बीटी इज नॉट देयर। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको दिक्कत कर रहा होगा इसको देखिए, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस मत समझ जाएगा, क्योंकि इसके बाद नाउन है तो मेका बीटी का मत समझ जाएगा, यहाँ पे आपका इज है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्टिकल है और ये आपका नाउन है जो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और ये आपका फिर एडजेक्ट नाउन आया है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो मेकाबीटी इज अ मिस्ट्री कैट। तो मेकाबीटी क्या है याद रखिएगा आप लोग, मेकाबीटी एक रहस्यमय बिलार है दोस्तों। कैट मीन्स बिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्ली की तुलना एक क्रिमिनल से कर रहे हैं, बिल्ली को एक मेल के तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे बिलार भी बोल सकते हैं। बिल्ली तो होता है जो आप जानते ही हैं। तो मेकाबीटी है ना, वो एक मिस्ट्री कैट है, रहस्यमय है। मतलब मिस्ट्री मीन्स क्या होता है दोस्तों, रहस्यमय होता है। तो मिस्ट्री कैट, तो मेकाबीटी एक रहस्यमय बिल्ली है, और कैसे वो रहस्यमय बिल्ली है यहाँ पे क्वेश्चन, और उसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा। जैसे ही इज कॉल्ड द हिडन पा, तो मेकाबीटी को हिडन पा भी बोला जाता है। हिडन पा मिस होता है छुपा हुआ पंजा, पा मिस होता है आपका पंजा। तो वो जो पंजा है वो छुपा हुआ है, छुपा है क्या, तो कहीं भी क्राइम करती है लेकिन उसके जो निशान है वो नहीं मिलते हैं, तो इज कॉल्ड हिडन पा। ये रहा आपका पहला लाइन कि मेकाबीटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही कॉल्ड द हिडन पा। अब इसको हिडन पा क्यों बोलते हैं, मिस्ट्री कैट क्यों बोलते हैं, उसका आंसर इसमें है। आंसर क्या है दोस्तों, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। दोस्तों डिफाई मिस होता है आपका अवज्ञा करना या अवहेलना करना। अवज्ञा करना या अवहेलना करना, लॉ मिस होता है नियम कानून। तो मेकाबीटी एक ऐसा शातिर अपराधी है, मास्टर क्रिमिनल एक ऐसा शातिर अपराधी है जो सारे नियमों का अवज्ञा कर सकता है, सारे नियमों को तोड़ सकता है। उसके लिए कोई भी नियम नहीं है, सारे नियमों को तोड़ देता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। दोस्तों जो बैफलमेंट मिस होता है समझिएगा, एक हताशा, निराशा, घबराहट, इसको आप कंफ्यूजन बोल सकते हैं। तो जो आपका बैफलमेंट होता है यहाँ पे आप घबराहट समझिए, एक पहेली समझिए, इसे हम पहेली भी बोल सकते हैं। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, याद रखिएगा ऑफ के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, तो प्रोनाउन में आई वी दाउ ही सी इट दे होते हैं, उसमें नहीं है, इसका मतलब नाउन है। और नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति स्थान जगह का नाम होता है। तो यहाँ पे जो स्कॉटलैंड यार्ड लिखा है, यह आपका इंग्लैंड का एक पुलिस का गुप्तचर संस्था आप इसको बोल सकते हैं, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। अब इसके लिए क्या है, ही, यहां पर देखिए दोस्तों कैट के लिए जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया ही, इसी से आप समझिए कि मेकाबीटी को लेखक जो है एक मेल के तरह ट्रीट कर रहे हैं इस पोएम में। तो ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, तो वह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए इंग्लैंड की जो आपकी गुप्तचर संस्था है, जो मुख्यालय है, उसके लिए एक पहेली है, एक कंफ्यूजन है। और फ्लाइंग स्क्वेड्स, ये भी एक गुप्तचर संस्था है, इसको उड़न दास्ता बोलते हैं, उसके लिए क्या है, डिस्पेयर है। डिस्पेयर मिस होता है निराशा, याद रखिएगा निराशा। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या है, बैफलमेंट है, और फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए क्या है, डिस्पेयर है, निराशा है। तो डिस्पेयर निराशा और बैफलमेंट कंफ्यूजन बोल सकते हैं, पहेली बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फॉर व्हेन, अब देखिए क्यों, और फिर इसमें प्रश्न है कि क्यों वो स्कॉटलैंड यार्ड और आपका फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए एक पहेली है, एक निराशा है, हताशा है। उसका आंसर यहां पे आपको मिल रहा है कि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम का आशय है अपराध का स्थल, घटना का स्थल, स्पॉट प्लेस, स्पॉट, तो जहां पे कोई घटना घटित होती है, जहां पे कोई अपराध होता है, उस स्थान पे जब आप पहुंचते हैं, कौन देव इसके लिए आया है दोस्तों, स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड्स मिलाकर एक से ज्यादा हुए, तो इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो आपका आया दे। नाउन की रिपीटेशन हम बार बार नहीं करते हैं। तो फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मेकाबीटी इज नॉट देयर, तो जब भी घटना के स्थल पे वे पहुंचते हैं आपके स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड्स, तो वहां पे जो मेकाबीटी होती है
वो कहीं नहीं मिलती है, वहां पे नहीं मिलती है। तो इसीलिए मेकाबीटी को लेखक ने कहा है मिस्ट्री कैट, अ हिडन पा, अ मास्टर क्रिमिनल, और बैफलमेंट एंड डिस्पेयर फॉर स्कॉटलैंड यार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वेड्स। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला स्टेंजा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे के स्टेंजा को लेंगे और देखते हैं कि उसमें और हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल रहे हैं उसका आप एक नोट्स बनाइए ताकि आपके परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे इस पोएम का दूसरा स्टेंजा। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टेंजा को। मेकाबीटी मेकाबीटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबीटी, ही हैज ब्रोकन एवरी लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, एंड यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मेकाबीटी इज नॉट देयर, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मेकाबीटी इज नॉट देयर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहां पे हम लोग मेकाबीटी की बात कर रहे हैं। देखिए पहला लाइन है कि मेकाबीटी मेकाबीटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबीटी, मेकाबीटी के तरफ कोई नहीं है। मेकाबीटी क्या है? एक क्रिमिनल है, एक सातीर अपराधी है, अपराध का एक विताड़ बादशाह है। तो मेकाबीटी एक ऐसा अपराधी है जिसके तरह इस पूरे संसार में कोई अपराधी नहीं है, आज तक कोई इसे पकड़ नहीं पाया है, अपराध में इसका कोई जोड़ नहीं है। He has broken every human law. दोस्तों यहां पे हम इसको हैज कैसे मान ले? पहले हम इज माने थे, अब इसको हैज इसलिए मानेंगे क्योंकि यहां पे आपका ब्रेक ब्रोक ब्रोकन भर्ब का तीसरा रूप है। तो जब तीसरा रूप होता है तो आपका हैज हैव आएगा, ही के आंसर क्या आएगा? आपका हैज आएगा। तो ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। दोस्तों जिंदगी जीने के लिए कुछ मानवीय नियम होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो लाइफ होता है वो अच्छा से व्यतीत होता है। तो एक ऐसा अपराधी है ना जो जितने भी मानवीय नियम है उन सारों नियमों को तोड़ दिया है, इसके लिए कोई भी शिष्टाचार नहीं है। इतना ही नहीं, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी का सिद्धांत है ना, जैसे कोई भी वस्तु आप ऊपर से छोड़िएगा तो नीचे आएगा ना, उसको भी इसने तोड़ दिया है। इसका कोई सानी नहीं है अपराध में, आज तक कोई भी नियम कानून इसके लिए नहीं बन पाया जो इसको कंट्रोल कर सके। इतना ही नहीं, हिज पावर ऑफ लेविटेशन। दोस्तों लेविटेशन मींस होता है हवा में उड़ने तैरने की क्षमता। तो इसकी जो हवा में उड़ने की क्षमता है, तैरने की क्षमता है, इस पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। स्टेयर मींस होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना। फकीर एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जिसके पास कुछ जादुई शक्ति होती है, मैजिकल पावर होता है। तो उस इंसान को भी जिसके पास खुद मैजिकल पावर होते हैं ना, उसको भी क्या कर देता है? आश्चर्यचकित कर देता है। एक फकीर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसमें ऐसी क्षमता है लेविटेशन की, हवा में उड़ने की तैरने की जो क्षमता है। एंड यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप घटना के स्थल पर पहुंचते हैं, मेकाबीटी इज नॉट देयर, तो मेकाबीटी आपको वहां पे नहीं मिलेगी, वहां से वो बहुत दूर चली जाती है। जब भी घटना घटित होता है तो इतना जाने कि उन सारी घटनाओं का अंजाम मेकाबीटी ही देता है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे जाइएगा ना तो आपको मेकाबीटी नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। दोस्तों मे जो है ना, ये पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी को शो करता है। आप चाहे तो बेसमेंट में, तहखानों में देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सीक मींस होता है दोस्तों ढूंढना या खोजना। तो बेसमेंट क्या होता है? जो आपका घर बनता है, तो कभी कभी क्या होता है कि हम घर के जो नींव होता है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और उसमें मिट्टी नहीं डालते हैं, और उसे हम अंडरग्राउंड बोलते हैं। उसी को यहाँ पे लेखक ने बेसमेंट बोला है। तो यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप मेकाबीटी को, यह हिम किसके लिए आया? मेकाबीटी के लिए आया है। आप उस अपराधी को, मेकाबीटी को अपने घर के बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं। यू मे लुकअप, लुकअप मीन्स ढूंढना। इन द एयर, आप उसी हवा में भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन बट मीन्स लेकिन, आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं, मेकाबीटी इज नॉट देयर, वहां पे आपको मेकाबीटी नहीं मिलेगी, वहां मेकाबीटी नहीं है। जब भी आप कहीं ढूंढते हैं
कोई भी अपराध होता है, आप उस स्थान पे जाते हैं तो मेकाबीटी वहां पे नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ स्टेंजा टू। तो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे और आगे के स्टेंजा को देखते हैं। आप लाइन पे नजर बना के रखिएगा, लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यदि आप इसको कवर कर लेते हैं, लाइन आपको याद रहता है कि किस पोएम का है, तो बहुत ही आसानी से आप 4 मार्क्स कवर कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन का। उसके लिए अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो भी बना सकते हैं और जो आपका समरी है वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने तीसरे स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा स्टेंजा। तो चलिए देखते हैं, मेकाबीटी इज अ जिंगर कैट, ही इज टॉल एंड थिन। तो मेकाबीटी है वह एक जिंगर कैट है। तो दोस्तों जिंगर मीन्स क्या होता है, इसका आंसर यहां पे है, याद रखिएगा, इंग्लिश में ही आप याद रखिएगा, जिंगर मीन्स होता है लंबा और पतला। यह आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बन सकता है। मेकाबीटी एक लंबा और पतला सा एक बिलार है या बिल्ली है। ही इज टॉल एंड थिन, वह लंबा और पतला है। तो जिंगर मीन्स क्या होता है, टॉल एंड थिन। You would know him if you saw him. You would know him if you saw him. जब आप उसे देखेंगे तब आप जानेंगे। For his eyes are sunken. Eyes उसकी जो आंखें हैं ना वो क्या है, sunken मीन्स होता है धसा हुआ। जैसे आप बिल्ली को देखिएगा, उसकी आंखें क्या है, धसी हुई है। His brow, brow मीन्स होता है भौंहें। Brow मीन्स क्या होता है, भौंहें। His brow is deeply lined with thoughts. जब भी आप उसे देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि उसकी आंखें हैं जो धसी हुई है। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव बनता है कि आंखें कैसी हैं, तो धसी हुई हैं। तो आप ऐसे आंख लिख लीजिएगा और संकेत बगल में लिख लीजिएगा आई संकेत। ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका सीखिए। Brow is deeply lined with thoughts. और उसकी जो भौंहें है ना, उसका जो मुखमंडल का जो दृश्य है ना, आप जब उसको देखिएगा तो पता चलेगा कि वो हमेशा ही विचारों में खोया रहता है। अर्थात तो कोई ना कोई सातिर विचार उसके मन में चलता रहता है। वह प्लान करता है कि अब कैसे किसी अपराध को अंजाम दिया जाए, हमेशा ही सोचता रहता है। हिज हेड इज हाईली ड्रम्ड, और डॉम मीन्स होता है दोस्तों गुंबददार। तो उसका जो शरीर होता है, जो उसका हेड होता है, हमेशा ऊपर की तरह होता है। और उसकी जो भौंहें होती है विचार से क्या है, एक चिन्ह, उसकी एक गहरा चिन्ह उखड़ जाता है और वो हमेशा ही विचार मग्न रहता है, कहने का आशय। तो दोस्तों जब भी वीडियो देखिए तो आप अपने पास एक नोटबुक एक पेन रखिए और मुख्य ऑब्जेक्टिव को बनाइए। जैसे यहाँ पर आपको तैयारी करना है तो आईज और आईज के सामने संकेत लिख देंगे, उसका हेड के सामने हम डॉम दे लिख देंगे और उसका ब्रो को लिख देंगे थॉट्स। तो यहां आपको तैयार रहेगा डीपली लाइंड विद थॉट्स। आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पे स्वेज ऐसे होगा, डब्ल्यू छूट गया है। सी स्वेज हिज हेड, हेड मीन्स क्या होगा, सिर। तो स्वेज मीन्स होता है दोस्तों हिलाना। तो अपने सिर को हिलाता है कौन, मेकाबीटी, फ्रॉम साइड टू साइड विथ मोमेंट लाइक अ स्नेक। तो सिर को हिलाता है एक सांप के मूवमेंट की तरह। जैसे मान चलिए कि मेकाबीटी है जो अपने सिर को हेड को साइड टू साइड हिलाता है एक सांप की तरह, जो एक सांप जो एकदम सक्रिय रहता है, अपने सिर को हिलाता रहता है। तो मेकाबीटी भी जो है ना बिल्कुल एक सांप की तरह अपने सिर को हमेशा हिलाता है, चौकन्ना रहता है। एंड यू थिंक ही इज हाफ एस्लिप, जब आप सोचते हैं उसे देखकर कि वह आधा सोया हुआ है, मतलब क्या है, वो अर्ध निंद्रा में है। तो ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो दोस्तों हमेशा ही जगा रहता है, हमेशा ही सचेत रहता है, वो कभी सोता नहीं है। तो दोस्तों इस लेक्चर में, इस सेशन में हम लोग पैराग्राफ 3 तक ही देखेंगे। इसके बाद वाले जो पैराग्राफ होंगे, स्टेंजा है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि मैं बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आऊं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना है, थैंक यू।